नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बेहद बड़ी और बेहद अच्छी खबर आती हुई दिख रही है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। अब देखिए क्या है न्यूज, इसको समझेंगे। और यहाँ पे ना भारत के बारे में अभी बात नहीं हुई है, या दुनिया भर के बारे में बात हुई है, या यूएस के बारे में बात हुई है, या चाइना के बारे में बात हुई है, बट फिर भी ये पॉजिटिव है। कैसे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड अगर हम भारत की बात करते ना तो फिर मतलब हम तो इस समय लीडर हैं एक तरीके से, आप ये समझ लीजिए। तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सिचुएशन में हमारी भारत की इकोनॉमी, आप देखिए कंटिन्यू पिछले 3 महीनों से लगातार 1.5 लाख करोड़ के ऊपर का जीएसटी कलेक्शन, ये दर्शा रहा है कि भारत में किस हिसाब का बदलाव हो रहा है। ऐसे में कुछ बड़े बड़े एनालिस्ट ये भी डिमांड करते हैं कि एक बार ये टैक्स का जो स्लैब है, ये जो जीएसटी है, ये थोड़ा कम करेंगे ना तो और ज्यादा आएगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर कम कर दे सरकार तो और ज्यादा आएगा, लिख के दे रहे हैं वो कि ग्रोथ बढ़ेगी, जीएसटी कलेक्शन और बढ़ेगा, पर थोड़ा कम कर दे। बट सरकार कम करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है, हर तरफ बढ़ा रही है। रिसेंटली उन्होंने तो एफएनओ के चार्जेस वगैरह, ट्रांजेक्शन के ऊपर कहीं ना कहीं चार्जेस वगैरह भी बढ़ा दिए हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड ट्रांजेक्शन चार्जेस भी बढ़ाए हैं, तो वो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। बट जो चीज क्लियरली दिख पा रही है वो है भारत की इकोनॉमी क्या रफ्तार में भाग रही है। अभी रिसेंटली आपने देखा था कि जब शक्तिकांता दास जी ने आईसीआर में, आई थिंक कहीं पे जब इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने क्लियर कट बोला कि भारत की जो ग्रोथ दिख रही है 7.1% की दिख रही है। अब यहां मैं आप सभी के साथ पहले बात करता हूं वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है और अपने भारतीय बाजार के लिए कैसे देखना है इसको, और कितनी पॉजिटिव खबर है इसको समझते हैं। देखिए केवल अगर आप स्टॉक्स को पकड़ते रहोगे ना, नहीं बनेगी बात। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक बाजार को नहीं समझोगे तो बाजार आपको क्यों समझेगा यार, बाजार आपको पैसा ही नहीं देगा। तो बाजार को समझना भी बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आपके किसी काम नहीं आती है, काम आती है तो ये नॉलेज, और काम आती है तो आपका एक कॉन्फिडेंस देती है कि भैया पॉजिटिव है सब। जब देश आगे बढ़ेगा, जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो बढ़ेगी तो इन कंपनियों की वजह से ही, तो कंपनी लेके बैठ रहा हूं मैं तो, ये मेरा मुद्दा रहता है हमेशा समझने की और समझाने की कोशिश। तो देखिए सबसे पहले तो ग्लोबल क्या कह रहा है वर्ल्ड बैंक वो देखिए। वर्ल्ड बैंक रेजेस 2023 ग्लोबल ग्रोथ फॉरकास्ट, तो वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबली आगे की ग्रोथ का फॉरकास्ट बढ़ा दिया है और ये सुपर डुपर पॉजिटिव है। हालांकि बढ़ाने के बाद भी ये 2.1% पे है, 1.7% जनवरी में देख रहे थे, जो कि अब बढ़कर 2.1% हो गया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेजिलेंस इन मेजर इकोनॉमीज, कुछ इकोनॉमीज में तो तंगड़ी तेजी है, तो वो इनको रेज करने में मदद कर रहा है इनका जीडीपी फॉरकास्ट ग्लोबली वाइज। अब बात करें अगर वर्ल्ड बैंक फॉरकास्ट 2024 ग्लोबल ग्रोथ एट 2.4% वर्सेस 2.7% इन जनवरी, साइट्स ड्रैग फ्रॉम टाइगर मॉनेटरी पॉलिसी, 2025 ग्लोबल ग्रोथ फॉरकास्ट एट 3%। तो अगली साल के लिए इन्होंने ग्लोबल फॉरकास्ट थोड़ा रिड्यूस करा है, बट मुझे लगता है वो दोबारा बढ़ा दिया जाएगा, बट छोड़िए अभी मुझे जो लगता है उसकी बात नहीं करेंगे। 2.7% से 2.4% पे लाके खड़ा कर दिया, बट करंटली बढ़ाया है, ये मेरे लिए पॉजिटिव है। 2024 में जब पहुंचेंगे तब 2024 का देखेंगे, 23 के लिए उन्होंने बढ़ा दिया, ये मेरे लिए पॉजिटिव है। 25 की बात कर रहे हैं 3% पे, बहुत अच्छा। वर्ल्ड बैंक फॉरकास्ट यूएस 2023 ग्रोथ एट 1.1%, तो यूएस में इन्हें 1.1% की ग्रोथ दिख रही है, और जनवरी में इनको 0.5% की दिख रही थी, तो वहां से ऑलमोस्ट डबल की ग्रोथ दिख रही है। और 2024 की बात करें तो 1.6% पहले दिख रही थी और अभी 0.8% दिख रही है, तो इनके लिए 2024 थोड़ा सा ज्यादा खराब दिख रहा है वर्ल्ड बैंक को, अभी अच्छी सिनेरियो दिख रहा है इन्हें, ये क्लियर कट दिख रहा है। वर्ल्ड बैंक फॉरकास्ट चाइना की ग्रोथ की बात की जाए करंट 2023 की, तो 4.3% से बढ़ाकर 5.6 कर दिया है, और पहले 2024 की बात करें तो 5% की सोच रहे थे, लेकिन अभी 4.6 कर दिया है। तो यूएस, ग्लोबल और चाइना तीनों जगह 2023 का फॉरकास्ट बढ़ाया है, 2024 का फॉरकास्ट घटाया है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है 24 का, लेकिन 23 बहुत पॉजिटिव है। ग्लोबल इन्फ्लेशन टू एज लोअर बट रिमेन अबव सेंट्रल बैंक टारगेट्स इन मेनी कंट्रीज इन 2024, तो इन्फ्लेशन घटेगा बट कुछ कंट्रीज में नहीं भी जाने वाला है। वर्ल्ड बैंक ड्रैग ऑन ग्रोथ फ्रॉम मॉनेटरी टाइटनिंग, ये छोड़ते हैं हम, तो मेन जो चीजें थी वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। यहां पे भारत के बारे में नहीं बात हुई है, लेकिन भारत की मैं आपको बता दूं बहुत तगड़ी सिचुएशन में बैठा है,
6.4% की करंट ग्रोथ है एंड 7.1% की टारगेट कहीं ना कहीं रखा हुआ है अभी। तो मुझे लगता है भारत तो सुपर है और बहुत ही ऊपर है, यहाँ पे आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। आप देख भी रहे हो बैंक निफ्टी लाइफ आई के आसपास ट्रेड कर रहा है, निफ्टी लाइफ आई के पास बैंक निफ्टी लाइफ आई लगा चुका है और निफ्टी लाइफ आई के आसपास ट्रेड कर रहा है। भारत में तंगड़ी तरीके से तेजी बन रही है, पैसा बन रहा है और मुझे लगता है आपको अगले 2 साल तक अपने शेयर्स को नहीं बेचना है। बहुत सारे एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि आने वाले 5 से 10 साल भारत के हैं और अगले 10 साल में हम top 3 इकोनॉमीज में भी आ सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और अगर ऐसा होगा तो फिर आपका पैसा ही तो बनेगा, हमारा पैसा ही तो बनेगा, शेयर बाजार में ही तो कैपिटल बढ़ेगा और कहाँ बढ़ने वाला है। तो कंपनीज को लेके बैठो, निवेश करो, तभी बड़ा पैसा बनेगा। दिन के 2000, दिन के 1500 भूल जाओ, निवेश करो, मल्टीबैगर वेल्थ के लिए सोचो। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको ये वीडियो समझो पसंद दोहरा आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।